Asatoma satgamaya, tamasoma jyotirgamaya, mrityurma amritangamaya. अर्थात असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चल, अंधकार से ज्योति की ओर ले चल और मृत्यु से जीवन की ओर ले चल। हे प्रभु मुझे मार्गदर्शन दे ताकि मुझे असीम शांति मिले। दोस्तों ये प्रार्थना हम सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है इस प्रार्थना का उत्तर हमें बहुत सालों पहले परमेश्वर दे चुके हैं। दोस्तों अगर हम कोई कीमती चीज अपने पिताजी से लगातार मांगते रहे तो क्या वो नहीं देंगे? ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? एक बुरा इंसान तो अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? तो आज का गुड न्यूज ये है कि परमेश्वर ने आपका प्रार्थना सुन लिया है और उत्तर भी दे दिया है एक अमूल्य उपहार के रूप में। जानना चाहते हैं क्या है वो उत्तर, क्या है वो अनमोल उपहार जिससे आज तक आप अनजान थे? तो दोस्तों दिल थाम के बैठे, क्योंकि आज मैं एक रहस्य उजागर करने जा रहा हूँ जिसको अगर आप सुनेंगे और उस अनमोल तोहफा को अपनाएंगे तो जिंदगी भर फायदे में रहोगे, यानी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। दोस्तों आपके सिद्धत से की हुई प्रार्थना का उत्तर है प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। क्योंकि बाइबल जो परमेश्वर का वचन है कहती है कि परमेश्वर ने संसार के लोगों से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उन पे और उनके प्रेम और बलिदान पे विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस श्लोक यानी हमारे प्रार्थना का प्रभु यीशु से क्या संबंध? यस दोस्तों, संबंध है, क्योंकि प्रभु यीशु ने मात्र क्षण अपने मुँह से कहा कि मार्ग सच्चाई और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अर्थात असतोमा सद्गमय यानी असत्य से सत्य, तमसोमा ज्योतिर्गमय यानी अंधकार से ज्योति, और मृत्युमा अमृतम गमय यानी मृत्यु से जीवन की मांग करते हैं तो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को तोहफा के रूप में हमें देते हैं। और प्रभु यीशु बताते हैं कि तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर मैं हूँ, यानी मार्ग सत्य और जीवन और जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ओम शांति शांति शांति। और यूहन्ना 14:27 में ये कहते हुए इस श्लोक को पूरा करते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, स्वर्गीय शांति तुम्हें देता हूँ, सांसारिक शांति नहीं, ताकि तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। दोस्तों वी आर इन सिंफुल वर्ल्ड, हम इस पापमय संसार में हैं और हम सभी पापी हैं, और ये बात सदियों पहले महात्माओं को पता चल चुका था, इसलिए उन्होंने ये श्लोक यानी प्रार्थना किया। पापोहम पापकर्महम पापात्मा पापसंभवम त्राहि माम पुनरीकाक्षाम सर्व पापो हरहरि। अर्थात मैं एक पाप करने वाला पापी हूँ जो हमेशा पाप करता है, जो आगे भी पाप कर सकता है, क्योंकि मैं जन्म से पापी हूँ, इसलिए सारे पापों को नाश करने वाले हे परमेश्वर मुझे बचाइए। इसे ये पता चलता है कि मनुष्य पापी है और परमेश्वर की महिमा से वंचित है। अब मुख्य प्रश्न ये उठता है कि कौन है वो सारे पापों को नाश करने वाले परमेश्वर जो हमें बचा सके। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब जब इस धरती में पाप बढ़ेगा मैं अवतार लूंगा और सारे पापियों का नाश करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। लेकिन बाइबल में प्रभु यीशु ये कहते हैं कि मैं पापियों को नाश करने नहीं परंतु बचाने के लिए आया हूँ। भले चंगों को वेद की आवश्यकता नहीं पड़ती परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। और परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस तरीके से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरे और हमारी पापों की प्रायश्चित के खातिर खुद बलिदान हो गए। क्योंकि व्यवस्था के नियम अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती, और मनुष्य का पाप किसी बेलों या बकरी के लहू से धुल नहीं सकता। इसलिए प्रभु यीशु ने देह धारण किया और मनुष्य रूप में आकर एक ऐसा बलिदान दिया जिसको विश्वास करने पर केवल मनुष्य का पाप क्षमा हो सकता है। अब यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, क्योंकि प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है।
दोस्तों, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। क्योंकि जो उन पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। Satgamaya.